दोस्तों आईपीएल 2020 से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग का हमें इंतजार था वो मीटिंग हो चुकी है, यानी गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग आज होनी थी वो यहाँ पर हो चुकी है, जहाँ पर बीसीसीआई की ओर से सौरभ गांगुली और इनके सारे मैनेजर्स यहाँ पर मौजूद थे। वहीं सभी आईपीएल की आठवीं टीम की फ्रेंचाइज के मैनेजर्स यहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद यहाँ पर मीटिंग हुई और मीटिंग में पांच बड़े फैसले लिए गए, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप एक आईपीएल फैन है तो आपको जानना बेहद जरूरी है, तो फटाफट क्रिकेट फैन होने के नाते, आईपीएल फैन होने के नाते अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। आप आईपीएल 2020 में किसको सपोर्ट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में हमें अभी बता दें। साथ ही साथ आईपीएल अपडेट्स, क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख ले। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर लेते हैं पांच बड़े फैसले यहां पर कौन से लिए गए हैं। पहला फैसला जो लिया गया है वो लिया गया है यहां पर 15 अप्रैल से जो आईपीएल होना है, ये अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि 15 अप्रैल से ये हो पाता है नहीं हो पाता है। कोरोना वायरस के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यहां पर कोई और दिक्कत आती है तो ये और भी टल सकता है, यानी 15 अप्रैल अभी फिक्स डेट नहीं हुई है। बात की जाए दूसरी न्यूज की, दूसरे बड़े पॉइंट की, वो है यहां पर आईपीएल में चेंज होना। आईपीएल चेंज होने वाला है, आईपीएल शॉर्ट होने वाला है, जो कि सौरभ गांगुली खुद बोल चुके हैं। शॉर्ट आप देख सकते हैं डेज के मामले में भी ये शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि जो 15 अप्रैल से मैचेस होने वाले हैं तो 15 से 17 दिन तो यहां पर ये कम हो गए। और यहां पर जहां पर जो इसकी एंडिंग डेट थी आईपीएल की वो यहां पर फिक्स होने वाली है, एक वीक से ज्यादा वीक यहां पर नहीं लगने वाला है एंडिंग डेट में, तो दिन के हिसाब से भी आईपीएल शॉर्ट होने वाला है। बात की जाए दूसरे पॉइंट की, वो है यहां पर आईपीएल के फॉर्मेट को लेकर, यहां पर फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है। आपको बता दें 2011 में आईपीएल कराया गया था पूल बेसिस पर, जैसा कि अभी तक राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होता है, यानी एक टीम दो मैचेस खेलेगी सभी टीम के साथ, तो ऐसे अब यहां पर अभी तक आईपीएल होता था। 2011 में क्या हुआ था, 2011 में हुआ यह था कि यहां पर दो पूल्स बनाए गए थे, यानी पूल्स के हिसाब से अगर मैचेस होते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली मैचेस कम हो जाते हैं और आपको सेमीफाइनल फाइनल के तौर पर यहां पर प्लेऑफ्स किए जाते हैं, तो ये फॉर्मेट यहां पर लागू हो सकता है, इसकी भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। तीसरा पॉइंट जो सामने निकल कर आया है वो यहां पर निकल कर आया है क्लोज्ड स्टेडियम्स को लेकर। मैचेस होंगे लेकिन मैचेस होंगे कैसे, मैचेस होंगे यहां पर क्लोज्ड स्टेडियम्स में, यानी बिना किसी पब्लिक के, बिना किसी क्राउड के यहां पर मात्र यहां पर क्रिकेटर्स खेलेंगे। यहां पर मैदान पर रहेगा कौन, इनके मैनेजमेंट की टीम रहेगी, इनका स्टाफ रहेगा, इसके अलावा यहां पर स्टेडियम में कोई और नहीं रहने वाला है। बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, चौथा पॉइंट यहां पर यह है वो शेड्यूल को लेकर, यानी जो अभी शेड्यूल लॉन्च किया गया था जहां पर 45 से 50 दिन का पूरा टाइम टेबल था, पूरा शेड्यूल था कि कब मैचेस होने हैं, कैसे मैचेस होने हैं। और यहां पर खास बात यह थी कि यहां पर डबल हेडर्स बेहद कम थे, मात्र संडे को डबल हेडर्स किए जाने थे, लेकिन अब सैटरडे संडे और बाकी जो बचे हुए दिन है यहां पर भी डबल हेडर्स होने की संभावना है। और यहां पर फिर से एक बार फिर से शेड्यूल लॉन्च होने वाला है, तो पांच इफेक्ट पड़े हैं आईपीएल के कोरोना वायरस के चलते आईपीएल में, जिसके कारण कहीं ना कहीं आईपीएल उतना इंटरेस्टिंग होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है जितना हमें सभी ईयर देखने को मिलता था। तो ये पांच बड़े पॉइंट्स जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप एक आईपीएल फैन है, तो आईपीएल फैन होने के नाते फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। आईपीएल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, अपनी फेवरेट टीम हमें कमेंट बॉक्स में बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।